मंदिरों की धरोहर को, भक्ति के भाव को अपने आंचल में समेटे मध्य प्रदेश, जहां देवों का वास है, जहां ताप्ती नर्मदा और बेतवा में भक्ति की धारा बहती है, जहां पहुंचना ही परम कल्याणकारी है। नर्मदा के तट पर ऋषि मुनि और तपस्वियों ने विश्व को जीवन जीने की राह दिखाई, शांति और सन्मार्ग का मार्ग बताया, जीवन को नर्मदा की अविरल धारा सा सरल बनाया। नवरात्र के पावन पर्व पर जब भारतवर्ष मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की भक्ति में डूबेगा, जब चारों दिशाओं में माता की जय जयकार होगी, ऐसे पावन पर्व पर पूज्य श्री कृष्ण प्रिया जी स्वयं श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगी, जिनकी वाणी में माधुर्य, वचनों में ओज और भक्ति भाव है, जिनका श्रवण परम कल्याणकारी और परम धाम को प्राप्त करने वाला है। श्रीमद् भागवत कथा जहाँ होती है उसे जो सुनता है, पर ब्रह्म परमेश्वर उसे पापों से मुक्त कर देता है और जीवन की सभी कठिनाइयां नष्ट हो जाती हैं। पूज्य श्री कृष्ण प्रिया जी की मधुरम वाणी से श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जैन बिहारी आश्रय फाउंडेशन के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मां नर्मदा के आंचल में बसे मध्य प्रदेश के हरदा जिले के साई मंदिर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2019 तक हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आनंद आप 1 बजे से शाम 5 बजे तक ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का यूट्यूब और फेसबुक पर भी लाइव प्रसारण होगा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ लेने से कदापि वंचित न रहें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 8899006060 पर।